करने के बाद सर थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। हाँ अच्छा सवाल सवाल है वो क्या है ना चिकू, थोड़ा समय लेगा लोड होने में, जैसे ही लोड हो जाएगा ना वो चलने लगेगा, और एक दो दिन वेट हो जाओ, जैसे ही अपलोड हो जाएगा ना यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, है ना? ठीक है ठीक है सर। ओके। तो आप लोग ये बताओ, हम लोग मोल क्यों पढ़ते हैं? मोल पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? व्हाट इज मोल? मोल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? एनीवन कोई बता सकता है सर क्यों? एनी बोलो। जीएम निकालने के लिए, सर एटॉमिक वो मास निकालने के लिए, किसी भी सर ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए। आप लोग को पता है डजन के बारे में पढ़े हो? डजन डजन पता होगा ना? यस। एक डजन में कितने होते हैं? 12। ठीक है। क्या आप कभी भी मार्केट में जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि एक डजन बनाना दो कि 12 बनाना दो, क्या बोलते हैं आप? एक डजन एक डजन एक डजन बोलते हैं। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सामने वाला क्या समझता है कि आप 12 बनाना चाहिए आपको, है ना? बनाना मांग रहे हैं सर। यस। यस सर। सेम मोल के लिए भी यही था। मोल जो टर्म था ना, अगर आप सिंपल वर्ड में समझो, मोल जो है एक मोल जो है एक मोल एक मोल जो है इज नथिंग बट किसके बराबर था? 6.022 × 10³ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था, है ना? समझ गया सर। इसको हम दो सर, इसको हम 6022 × 10² क्यों नहीं कहते सिक्स थाउजेंड सर? 6022 × 10²। नहीं, 6000 थोड़ी यही है। 6.022 सिक्स पॉइंट है ना, पॉइंट है ना सर। फिर वो 10^20 बोल रहा है। 20 हाँ वो हाँ तब बोल सकते 10^20 हाँ तब हो जाएगा, लेकिन देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है, आप जैसे चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, है ना? ये तो मैनिपुलेशन है ना। ठीक हम है ओके सर। ठीक है। तो एक मोल का जो वैल्यू था ना, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था, है ना? एक्सपेरिमेंट किया गया, सारा चीजें करके ये पता चला कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम एक एलिमेंट के अंदर इतना पाया जाता है, इतना नंबर ऑफ एटम पाया गया। अब आप लोग ये बताओ, अगर ये जो मोल है ना, मोल हमेशा यूज करते हैं किसके लिए? एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, आयंस के लिए, है ना? इन सारी चीजों के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, है ना? इन सारी चीज के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं, क्यों? अब आप लोग ये बताओ, और कोई बोलेगा कि जाओ जाके 6.022 × 10³ इलेक्ट्रॉन लेके आओ, तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा, लाने वाला भी कंफ्यूज है, ये बोल क्या रहा है भाई, है ना? अब 6.022 × 10³ वो बीच में ही भूल जाएगा वो, है ना? इसलिए मोल का यस कॉन्सेप्ट लाएगा कि मोल जो है एक मोल, अगर कोई बोला इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सामने वाला ये समझ जाए, अच्छा तुम एक मोल जो बोल रहे हो इसका मतलब आपको कितना चाहिए? 6.022 × 10³ पार्टिकल आपको चाहिए। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं बोलते हैं ना कि 2 दर्जन केला दे दो, 2 दर्जन बोल दे, इसका मतलब कितना चाहिए आपको केले? 24 24 भी चाहिए, 2 दर्जन का मतलब क्या है? 24। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे हाफ दर्जन चाहिए, हाफ कितना चाहिए? 6 6। इसलिए सेम डजन जो है हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, मोल हम डे टू डे लाइफ में थोड़े यूज करेंगे। आप जाओगे शॉपकीपर पर बोलोगे मुझे चीनी दो 6.022 × 10³ kg, वो बेचारा सामने वाला भी कंफ्यूज, क्या बोल रहा है, कहाँ से आ गया है, कहीं ऊपर से आ गया है क्या, कहीं दूसरा ग्रह से आया हुआ है क्या ये? हाँ सर दूसरे दूसरा प्लानेट से आया हुआ है क्या ये? कहीं मंगल से लग रहा है आ गया है, तो बोले यार भाई जल्दी जाओ मंगल पे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला भी नहीं समझ पाया तुम बोलना क्या चाह रहे हो, है ना? तो इसलिए हम लोग मोल जो टर्म है ये हमेशा यूज करते हैं किसमें? फंडामेंटल पार्टिकल के लिए, जैसे एटम के लिए, आयंस के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कल से जाके मम्मी से बोलना मम्मी मुझे चाहिए रोटी 6.022 × 10³। ठीक है। तो वो भी कहीं कहाँ से आ गए हो तुम, है ना? जाओ थोड़ा सो लो एक बार, सो के आओ। इसका मतलब चीजें इजी हो जाती है समझ लो। हाँ आप बार बार बोलो 6.022 × 10³ बोलने में थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा ना, इतना कॉम्प्लेक्स नंबर
इसलिए हम लोग मोल के टर्म में बोलेंगे। अब हम लोग क्या बोलेंगे जाओ, सर इसकी यूनिट क्या होती है? किसका? मोल का। मोल का नंबर है, मोल का मोल ही सर, ये तो नंबर है। मोल इज ए नंबर है, यूनिट कह सकते हैं ना सर। मोल ही एक यूनिट है, आप जो अच्छा, यूनिट बोल रहे हैं इसका यूनिट नहीं हुआ, यही एक यूनिट है। ठीक है जैसे मतलब उस मल्टीप्लाई हो जाएगा वही होता है। ठीक है, जैसे 2 मोल 3 मोल 5 मोल लाइक दैट है ना। तो अब आप लोग ये बताओ, तो अब से आप ये नियम बोलोगे ना कि अगर कोई बोलेगा कि 2 मोल आप मैग्नीशियम लेते आओ, तो आप समझ गए ना 2 मोल मतलब क्या बोल रहा है ये 2 × 6.022 × 10³, इतना मैग्नीशियम का एटम चाहिए इसको, है ना, समझ गया। तो इसलिए हम लोग मोल का कॉन्सेप्ट लाया गया, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली करके देखा कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया गया एटम के अंदर, इससे बेटर है कि इतना बड़ा नंबर यूज ना करके हम लोग मोल यूज कर ले, राइट। तो एक मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वन मोल इज नथिंग बट एन ए, और एन ए हमारा क्या है, इज एवोगाड्रो नंबर। यस, एवोगाड्रो नंबर, ये आप पता होना चाहिए, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। सर ये न्यूट्रॉन प्लस होता है, हाँ, इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा इतना ही प्रोटॉन होगा, ये बता रहा है। वन मोल कंटेन, इतना एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल आयंस बोल सकते हो, ये डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन है ना। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन कहां से बनेगा, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। एक चीज और पता है, अभी तो आप मोल पढ़ रहे हो, है ना क्लास 9 10th में भी मोल पढ़े होगे, है ना, लेकिन पता है मोल से पहले भी एक यूनिट था, बोलो क्या सर? मोल से पहले हम लोग यूज करते थे नोट में लिखना, नोट में, ये कभी कभी पूछा जा सकता है या क्वेश्चन में ना लिख के दे देगा, नोट में लिखना। मोल से पहले हम लोग यूज करते थे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, क्या क्या यूज करते याद रखना, लिखो सभी लोग। मोल इज आल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब ये ध्यान रखना, ग्राम एटम एक ही के साथ है, एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है ना, ग्राम एटम, या आपको लिख के दे दिया ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, या आपको लिख के दे देगा ग्राम आयन, आयंस, ये ध्यान रखना। अगर कोई बोले कि वन ग्राम एटम, इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, वन मोल समझ गए, ये ध्यान रखना ना। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में मोल की जगह पे ये टर्म यूज कर देते हैं ये लोग, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। ठीक है, क्लियर है, फाइन। ठीक है, yes. सर हमेशा ग्राम ही होगा ना या यूनिट चेंज भी होगी ग्राम के अलावा? केवल ग्राम होगा, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, यही यूज किया गया, यही यूज होता था पहले मोल से पहले, तो अब मोल होता है। मतलब सर मत नाम बदल लिया, काम वही है, नाम बदलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वैल्यू याद रखना, एवोगाड्रो का वैल्यू आप लोग याद रखना, है ना। ठीक है सर, ये वन मोल इन कंटेन में ये एटॉम्स में भी इतना होगा, मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स में भी इतना ही होगा, सब में। हाँ, अगर मॉलिक्यूल का बात करो तो मॉलिक्यूल का होगा, एटम का बात करोगे तो एटम में होगा, पार्टिकल का बात करोगे तो पार्टिकल में होगा, आयंस का बात करोगे, इलेक्ट्रॉन का बात करोगे, सबका बात करोगे। ठीक है, ठीक है, एक मोल का मतलब ये है कि जैसे अब डजन है तो छोटा केला बड़ा केला, तो डजन का मतलब डजन ही होगा ना, समझ गया आप, बड़ा केला का मतलब ये थोड़ी है कि अच्छा बड़ा केला है, डजन का मतलब डबल होता है यहाँ पे, नहीं तो। ठीक है, सब सेम होता है। ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना। ठीक है, तो एवोगाड्रो आपको ध्यान क्या रखना है कि वन मोल किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो क्या था, वैल्यू क्या था, बस ये इतना आपको पता होना चाहिए। बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, कि व्हाट इज मोल, डिफाइन कर देना मोल क्या होता है, सारा चीज है, इजी है।
क्वेश्चन कहां से बनेगा, अब आ जाओ आप, क्वेश्चन यहां से नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बनेगा आपको टू फाइंड द मोल। तो मोल फाइंड तीन तरीके से करते हैं, कितने तरीके से, तीन है ना। तो मोल कैन बी कैलकुलेटेड बाय थ्री मेथड, कौन कौन सा मेथड है ध्यान रखना, मोल को हम लोग तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं, है ना, ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। पहला सिचुएशन क्या है, जब आपको गिवन मास हो, गिवन मास ठीक है, सब्सटेंस का गिवन मास दिया हो। सेकंड केस क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो, है ना, क्या दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो और आपसे बोले कि मोल निकालो। थर्ड केस क्या हो सकता है आपको, ये बी हो गया है ना, बी हो गया, ये हमारा हो गया सी, ठीक है। थर्ड केस क्या है, गिवन वॉल्यूम, ठीक है, गिवन वॉल्यूम, और ये ध्यान रखना हमेशा, आप कभी भूलना मत आप लोग, ये हमेशा अप्लाई होगा गैस के लिए ना, अब सॉलिड के लिए मत अप्लाई कर देना, केवल गैस, आइडियल गैस है ना, बाद में पता चलेगा आइडियल गैस क्या होता है, ये सारा चीज है ना, नोबल गैसेस, आइडियल गैसेस, ओके सर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे गैसेस स्टेट में ना सर। ये सी वाला तो गैस के लिए यूज होगा सर, यानी अलग अलग है नोबल और आइडियल। अब देखें कुछ गैस, कुछ नोबल गैस जो आइडियल की तरफ बिहेव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सब नोबल आइडियल हो गया, वो कंडीशन होता है, आगे देखेंगे, गैसियस स्टेट में आएगा, ठीक है, ओके सर, गैसियस स्टेट में सब आएगा, है ना, ठीक है, वहां पे हम आइडियल नॉन आइडियल सारा चीज पढ़ेंगे। तो गिवन वॉल्यूम केवल गैस के लिए, नहीं कि लिक्विड के लिए ही अप्लाई कर दिया है ना, ये ध्यान रखना। अब आते हैं वन बाई वन, ठीक है, अगर आपका गिवन मास हो, मास गिवन हो तो मोल कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, मोल निकाले हुए गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, नहीं नहीं मोलर मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, समझ गए, एटम है तो एटॉमिक है ना, हाँ। अगर मान लो आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मोल कैसे निकालोगे, इसके केस, इस केस में हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यस एवोगाड्रो अपॉन एनए, एवोगाड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम होगा तो गिवन वॉल्यूम में हम लोग देखेंगे आइडियल गैस के लिए पी बी इक्वल टू एन आर टी लगता है, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना गिवन वॉल्यूम भी डिवाइड बाय 22.4 ध्यान रखना लीटर में, एमएल में होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ध्यान रखना, ठीक है, ओके सर। सर ये 22.4 क्या है, ये वॉल्यूम है, वैल्यू है, ये निकला हुआ कहां से अभी पता चलेगा, जस्ट एक मिनट वेट करो, अभी आपको आइडिया लग जाएगा, ये एनए क्या है हमारा, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है एनए का, याद रखना एनए का वैल्यू होता है हमारा 6.0 6.0 10 to the power 23, ठीक है। अब आते हैं जिसे अब गिवन, ठीक है ठीक है, अगर मान लो गिवन मास दिया हो आपको, है ना, तो गिवन मास दिया हो तो किसी तो मॉलिक्यूल या पार्टिकल या एटम किसी का तो देगा हो, उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते, है ना, इधर आ जाओ, ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए, मोल निकालेंगे जब आपको क्या दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल, जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहता है तो एवोगाड्रो नंबर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना, ठीक है सर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में ये दिया गया ना कि इतना एटम है कैल्शियम का, तो इसका मतलब इसका मोल कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे वन, यस वन, आ जाओ जाओ, ये एग्जांपल सभी ध्यान से देखना, नंबर ऑफ पार्टिकल कैल्शियम का दिया है तो मोल निकालो इसका, मोल ऑफ सी ए क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर राइट. तो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल भी कुछ भी हो सकता है ना. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, कितना दिया हुआ है, 6.022 इनटू 10 के पावर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, कट कितना जाएगा, 1 मोल आएगा, 1 मोल आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, एक चीज और बता रहा हूँ यहाँ पे. यस सर. एक और मोल का फॉर्मूला है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब आप लोग ये बताओ, मोलर मास गिवन मास, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, 40 सर, 40 सर, ये भी बन आ गया. गिवन मास हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, मोलर मास कितना होता है इसका, 40 होता है ना. अब मोल ऑलरेडी फाइंड कर लिया आप लोगों ने यहाँ से, कितना है 1, तो गिवन मास कितना हो गया इसका, 40 yes. गिवन मास के बराबर है. देखो मोल का तीन फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये वाला देखो, तो तीनों अप्लाई कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि एक टाइम पे एक ही अप्लाई कर रहे हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, है ना. जैसा क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से आप कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि एक ही अप्लाई करना है हमेशा, नहीं है. यस सर, समझ गए ना. तो ये मोल वॉल्यूम वाला भी करवा दीजिए. हाँ, ये वॉल्यूम वाला ना आगे आएगा, अगर मान लो एक मोल यहाँ पे आया तो ये भी तो एक होगा, ये भी एक हो जाएगा. ठीक है सर, मोलर मास वही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है. हाँ वही होता है, सेम. ओके ठीक है सर, ये नीचे 40 कैसे है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैल्शियम का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कितना होता है, मोलर मास या एटॉमिक वेट बताओ, या एटॉमिक वेट बताओ. 40 होता है सर, 40 होता है, 40 होता है. और हम लोग ऑलरेडी इस केस के लिए मोल कितना निकाले थे, हम लोग एक मोल, एक मोल निकाले थे ना ऑलरेडी हम लोग. यस सर. तो मोल का वैल्यू यहाँ पे yes, सर. एक एक पुट करो तो क्या हो जाएगा, एक इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन 40, गिवन मास अपॉन अपॉन 40, तो गिवन मास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 ग्राम, 40 ग्राम, यही ऊपर लिखा हुआ है, देखो यही ऊपर लिखा गया. यस सर, 40 ग्राम निकाला. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इतना बताना पड़ा आपको. अब बाकी ये समझ गए, Na का. यस सर. Na का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 23, इसलिए इतना ग्राम. यस सर. इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो मोल का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, है ना, समझ गए आप लोग. अब बताओ इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो. नो सर. नो सर. सर ठीक है. नो सर. ठीक है. ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल देख लीजिए आपने, तो मास वाला देख लो, ये मास का फॉर्मूला है. ठीक है, ये मास वाला है, सभी तो वही है, गिवन मास अपॉन मोल. ठीक है, जैसे ये मास इतना दिया हुआ है तो मोल बताना इसका, मोल कैसे निकालोगे, दो मिनट सर निकालते हैं, दो मिनट. मोल ऑफ H2SO4 बताओ, गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 94 या 98, सर 94 होगा ना, हाइड्रोजन का 98 होगा सर, 98 होगा, 1 मोल. यस 1 मोल, समझ गए ना आप. यस सर. यस सर. गिवन मास आपका हो गया 98. यस सर. और मोलर मास भी आपका कितना है, 98 हो गया सर, ग्राम पर मोल. कट कितना जाएगा, 1 मोल, 1 आ गया, 1 मोल, 1 मोल. ठीक है, समझ गए, हर में 1 मोल ही आंसर आता है. नहीं नहीं ये एग्जांपल है, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा आएगा, ये आपको बताया जा रहा है कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हमेशा थोड़ी आएगा, ये कभी आएगा भी नहीं, एक मोल है ना, ये तो आपको बताने के लिए किया जा रहा है. हाँ अब आ जाओ गैस के लिए. गैस के लिए मैंने ऑलरेडी बताया केवल एंड केवल मीन्स जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था मोल के लिए, केवल एंड केवल किसके लिए होगा, आइडियल गैस के लिए. अब ये आइडियल क्या है,
हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस जान जाओ कि जो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम वाली फॉर्मूला है मोल वाली, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर जो था, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपको वॉल्यूम दिया हो किसका, गैस आइडल गैस। अब ये 22.4 है ना, यहाँ से डराइव हो गया है, ठीक है ठीक है। अब ये क्या है, देखो ब्रीफ आइडिया बता रहा हूँ, वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। पीबी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है ना सर, ये कहाँ से आ गया, अभी के लिए बस जान जाओ कि है बस, ठीक है अभी के लिए मानना है ना, आइडियल गैस इक्वेशन है। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, स्टेट ऑफ गैसेस स्टेट है ना, ओके सर ठीक है। तो अभी के लिए मान लो एन यहाँ पे क्या है, मोल है, तो एन इक्वल टू पीबी अपॉन आरटी, ठीक है। पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, आर क्या है, टेम्परेचर है, टी क्या है हमारा टेम्परेचर, आर क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो जस्ट ब्रीफ आइडिया ले लो अभी है ना, वैसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। प्रेशर है, बी हमारा वॉल्यूम है, और टी टेम्परेचर, टी हमारा क्या हो गया टेम्परेचर है, और सर आर है सर वो आर कॉन्स्टेंट है, आर जो हमारा कॉन्स्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यस सर। इसका वैल्यू याद रखना है ना दो तीन, वो धीरे 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 सारा याद हो जाएगा ना, टेंशन मत लो। यूनिवर्सल क्या है, हाँ बोलो, एन मोल है सर। यूनिवर्सल क्या है, गैस यूनिवर्सल मतलब हमेशा वैलिड है गैस के लिए, ये कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट जो है ना इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। जूल के केस में 8.314, जब एटीएम यूज कर रहे हो तो 0.0821, ये धीरे 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 आपको आइडिया लग जाएगा कब कहाँ क्या यूज करेंगे, ठीक है ओके सर। मतलब सर सर मतलब सर आर की सर वैल्यू है 0.0821 एटम, हाँ एटीएम डॉट लीटर डॉट मोल इनवर्स डॉट केल्विन इनवर्स। असर सर व्हाट इज एटीएम, एटीएम क्या है, प्रेशर का यूनिट है। अच्छा प्रेशर का यूनिट है, ओके ये बाद में आ जाएगा है ना, अभी यूज भी नहीं होगा ये सारा, अभी मोल में इसका वैल्यू यूज नहीं होगा आप लोग, ये यहाँ पे डेरिवेशन किया जा रहा है कैसे आ रहा है ना। असर ये क्या है, एलआईटी लाइट एटीएम डॉट एलआईटी डॉट लीटर लीटर लीटर, अच्छा अच्छा लीटर को अपने शॉर्ट कर दिया है, लीटर लीटर है, जूल है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, हाँ बोलो सर, ये 8.314 और ऊपर जो 0.0821 है ये आर की वैल्यू है, हाँ आर की वैल्यू है, ये जूल में है तो सर इन दोनों, हाँ अभी के लिए बस देख लो, जैसे ही आपका गैसेस स्टेट सर इन चारों को एक्सपोर्ट करना है, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, ये आर की वैल्यू बस आप जान जाओ अभी की, आर की वैल्यू होता है, आर जो होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, ये अभी आएगा कहाँ पे आएगा, एनसीईआरटी में गैसेस स्टेट चैप्टर है, वहाँ पे सारा आएगा डिटेल में आएगा फिर, ठीक है। ये तो डेरिवेशन है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आर का वैल्यू जूल में ये होता है, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में ये होता है, वहाँ पे जैसे ही आप पढ़ोगे ना सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जान जाओ कि आर ये होता है बस, और पूरा मोल में कहीं नहीं यूज होगा आर, ये भी जान जाओ, ठीक है सर, कहीं नहीं यूज होने वाला है। एक्सक्यूज मी सर, आप सब सर आप बता पाओगे व्हाट इज द फुल फॉर्म एटीएम, एटीएम जो एटीएम जो है ना हमारा एटीएम, हाँ। प्रेशर का यूनिट होता है सर, मतलब सर असर इसका फुल फॉर्म क्या होगा सर एटीएम का, मतलब इतना समझ गया एसआई, इसका एसआई यूनिट है प्रेशर का, बस सर का फुल फॉर्म क्या होगा एटीएम का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एटीएम का, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके सर समझ आ गया, ठीक है ऑटोमेटेड टेलर, ठीक है तो ये ध्यान रखना, ओके सर ओके आगे चले हम लोग, यस सर यस सर। और किसी को कोई डाउट, नो सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, हाँ बोलो कोई डाउट, ठीक है ना। एटीएम का फुल फॉर्म आप लोग सब आएगा, सब गैसेस स्टेट में आने वाला है, तो अभी के लिए बस अपने आप को रोको है ना, अपने आप को संभालो, ठीक है सब आएगा है ना, सब धीरे धीरे पहुंचेगा,
ठीक है, ये सारे जूल किसका ऐसा यूनिट है, जूल एनर्जी, एनर्जी पढ़ो, ये भी आएगा, टेंशन मत, सब आएगा ना, ये तो फिजिक्स में भी आ जाएगा, फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर यूनिट है तो जूल, वर्क पावर एनर्जी जैसे ही आएगा ना जूल, जूल वहीं पढ़ लोगे ना। यस सर। तो एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक यूनिट होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, आगे चले हम लोग, अभी के लिए बस ध्यान रखो, वैसे आपके लिए इतना जरूरी नहीं है अभी, है ना, जब तक मोल चलेगा, जब तक पीरियोडिक टेबल चलेगा, केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, कोई यूज नहीं, जैसे गैसीय स्टेट इंटर करेगा तब आप सारा चीज जान जाओगे, एटीएम क्या है, बार क्या है, सब प्रेशर का यूनिट आ जाएगा वहां पे, एमएमएचजी क्या है, बहुत सारा चीज आएगा, ठीक है, अभी के लिए बस जान जाओ कि एटीएम यूनिट होता है प्रेशर का बस, ठीक है, ओके चलो, ओके सर, है ना, और ये जो हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं ना, तो ध्यान रखना ये वॉल्यूम वाला जो है एट एसटीपी पे करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, एसटीपी का कंडीशन पता है ना सबको, ठीक है ना, नो सर, सर एक बार बता दो, सर सर को बता सर कि आई के सर एसटीपी, एसटीपी और एनटीपी दो कंडीशन होता है, ठीक है, एसटीपी का मतलब किसी को कुछ भी आइडिया हो बोलो, कुछ भी बताओ एसटीपी के बारे में, सर स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, यस, क्या होता है स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, टेंपरेचर प्रेशर, यस स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, टेंपरेचर प्रेशर, ठीक है, तो इसी कंडीशन पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो एसटीपी पे ही हम लोग, ये स्टैंडर्ड कंडीशन ही है, इसी पे ही हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, है ना, इसी पे ही, बाकी दूसरा कंडीशन पे नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना एसटीपी और एनटीपी पे, तो ये आप लोग ध्यान रखना, है ना, और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, क्या कि जो भी वॉल्यूम दिया रहेगा उसके, उससे हम लोग डिवाइड कर दें किससे, 22.4, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बस, यस सर, ये ध्यान रखना, और लीटर में रखना, एमएल में रहेगा तो, अगर आपको वॉल्यूम एमएल में दिया रहेगा तो उससे आपको क्या करना होगा, लीटर में कन्वर्ट करना होगा, है ना, ठीक है, आगे सर वॉल्यूम, हाँ ऊपर वाला वॉल्यूम लीटर में रहेगा, यस, ऊपर वाला जो गिवन वॉल्यूम होगा ना वो लीटर में होना चाहिए, एक्सक्यूज मी सर, सर एसटीपी दोबारा सर, ये आरटीपी के आरटीपी कंडीशन, ये जो है ना अलग-अलग कंडीशन है, जैसे जैसे एसटीपी हुआ ना, हाँ यस सर, एक होता है एनटीपी कंडीशन, एनटीपी किसी को पता है, नो सर, नो सर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन है, समझ गए आप, ठीक है ना, तो ये आपको बस ध्यान रखना है, जैसे एसटीपी का कंडीशन क्या क्या होता है बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लिखो सभी लोग एसटीपी का कंडीशन, यहाँ पे लिख लो, एक मिनट जगह है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, सर नीचे बहुत सारे स्लाइड्स खाली हैं, अच्छा अच्छा एक मिनट, एक ठीक है, एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पे क्या क्या प्रेशर होता है, क्या टेम्परेचर होता है, ये सारा चीज हम लोग देख लेते हैं ना, ज्यादा इम्पोर्टेंट एसटीपी और एनटीपी है, बाकी तो बस जाने का है ना, एसटीपी और एनटीपी पे क्या होता है, देखो एसटीपी बोल रहा है कि एट एसटीपी कंडीशन, तो इसका मतलब होगा ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 1 एटीएम, ठीक है, प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए 1 एटीएम, ठीक है, और एनटीपी का मतलब क्या होगा, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर, हाँ, तो यहाँ पे टेंपरेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 bar, बस ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, दो चीज सर, आरटीपी का ये होता है क्या, रूम टेंपरेचर प्रेशर, हाँ, तो ये ना जैसे वॉल्यूम बताओ, हाँ एसटीपी का वॉल्यूम बताना कितना होता है, एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है बोलो,
एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, किसी को आइडिया है? एनीवन बोलो क्या सर? जीरो? नहीं नहीं एक कंडीशन होता है, इस कंडीशन पे कितना वॉल्यूम होता है, क्या होता है सारे चीज? 22.7 और इसका होता है 22.4 है, इसका होता है 22.4 होता है। तो हम लोग राउंड अप लेके 22.4 लेते हैं, ठीक है? ठीक है ना, क्लियर है सर? ये वॉल्यूम है 22.7 एंड 22.4। यस, इस कंडीशन पे गैस का वॉल्यूम इतना होता है, प्रेशर हमको इतना लेना है, टेम्परेचर हमको इतना लेना है, बस। तो 22.7 और 22.4 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, ज्यादा अंतर है नहीं ना, इसलिए हम लोग 22.4 ले रहे हैं। एसटीपी हो या एनटीपी हो, दोनों केस के लिए आप लोग यूज करना ला 22.4 लीटर, ठीक है सर? वन बार किसका यूनिट है? ये भी प्रेशर का यूनिट है, सब आएगा, सब गैसेस। देखो अभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है ना आप लोग का, तो सब यूनिट पता चल जाएगा धीरे धीरे धीरे, ठीक है? है ना? यस सर, ठीक है सर। बार सर, हाँ बोलो सर, आपने लिखा इसे रब में करना, ये भी नोट्स में आ जाएगा। हाँ ये रब नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ध्यान रखना एसटीपी हो या एनटीपी हो, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम गैस के लिए ही यूज करेंगे, वो भी वॉल्यूम किस में दिया हो, लीटर में। लीटर में नहीं दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग, लीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन हम लोग डिवाइड करेंगे 22.4। ये ध्यान रखना, ये फिर गलती मत करना है ना, ठीक है? आगे चले हम लोग, ठीक है, फाइन। एक बार फिर से बता दो क्या बोला आपने अभी? अभी मैंने ये बोला ना कि अगर आपको मोल निकालने के लिए बोले और गिवन वॉल्यूम हो, जैसे गिवन वॉल्यूम बोलेगा ना, या तो एसटीपी लिखा रहेगा या तो एनटीपी लिखा रहेगा, ध्यान रखना यही दोनों लिखा रहता है, मोस्टली एसटीपी लिखा रहेगा ये वाला, कभी कभी एनटीपी लिखा रहता है। एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, है ना? दोनों अलग अलग कंडीशन है। एसटीपी का मतलब ये सेटअप कंडीशन होना चाहिए, एनटीपी का मतलब ये सेटअप कंडीशन होना चाहिए, बस, है ना? इस कंडीशन पे हम लोग 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं फॉर फाइंडिंग द मोल ऑफ गैस, ठीक है? ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लीटर में, है ना? गिवन वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में, ठीक है? बस ध्यान रखना है ना, आपको बस ये याद रखना है, एसटीपी एनटीपी पे हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं बस, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, आगे चले। यस सर, क्लियर है सर। अगर नहीं है ना कंडीशन, तो फिर आपको, फिर अगर नहीं देगा ना ये, फिर आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, तब आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर लोगे, कौन सा? पीबी इक्वल टू एनआरटी, एन वहां पे क्या था? मोल था, पता है ना आपको? एन मोल है यहाँ पे, लिख लो। यस सर, एन यहाँ पे मोल है, समझ गए आप लोग? धीरे धीरे समझोगे क्यों हम लोग 22.4 से डिवाइड किए, क्योंकि जैसे जैसे आप गैसियस में पढ़ोगे ना, ये कंडीशन पूरा पुट करोगे ना यहाँ पे, तो मोल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? चलो आगे चले हम लोग। यस सर, यस सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर। सर एनटीपी, एनटीपी आरटी, सर एनटीपी और आरटीपी अलग अलग होता है ना? एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर, और आरटीपी, आरटीपी होता है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 180 होता है ना, यही अंतर है, ठीक है? देखो एनटीपी लो, एसटीपी हो, कुछ भी लो, वॉल्यूम में पता है कहीं पे 24.4 होगा, 20 कहीं पे 22.7 होगा, है ना? ज्यादा फर्क नहीं होता, कहीं 24 हो जाए, है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारे लिए 22.4 याद रखना पड़ता है। सर एनटीपी पे कितना होता है? एनटीपी पे होता है 22.4। ओके सर, एनटीपी पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टेबल, टेबल देखो यहाँ पे, यही दो कंडीशन बस याद रखना। सर आरटीपी पे, आरटीपी पे, आरटीपी पे होता है 24। ओके सर, ये सर वैसे हम तीनों पे 22.4 ही लिखते हैं ना?
आरटीपी पे ना रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस पे तो मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, देखो अब एक्स्ट्रा के लिए आप लोग याद रखना, बट ऐसा पूछा नहीं गया अभी तक, ठीक है, इस पे ठीक है, बस ध्यान रखना है कि अगर रूम टेम्परेचर पूछ लिया तो वॉल्यूम हमारा 24.4 होता था, ठीक है सर। आपने नीचे 22.4 लिख रखा है एनटीपी में। हाँ एनटीपी होगा, ये आरटीपी है ना, ये आरटीपी है, रूम टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर ये अलग कंडीशन है ना, प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर, इस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, तो इस पे ध्यान मत दो, इस पे दो क्यों बस। ओके सर, एसटीपी और ये आपको दिखेगा ही नहीं, बस ये बस इसी डाला गया है एक्स्ट्रा के लिए बस, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो देखोगे ना एसटीपी एनटीपी में, ठीक है सर। क्वेश्चन में मेंशन होता है कि एसटीपी निकालना है। अगर मेंशन नहीं हो तो फिर आप कैसे पता चलेगा टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, आप ही सोचो, है ना। यस यस सर, ठीक है चलो, तो अभी के लिए बस ध्यान रखना एसटीपी एनटीपी क्या है, बहुत डिटेल में आएगा ये सारा चीज, है ना, सब गैसेस स्टेट का है पार्ट है। ओके सर, तो इससे पहले आगे जाने से पहले आप लोग को थोड़ा एक वाई मैप बना देते हैं, वाई मैप है ना, वाई मैप ये बताएगा कि मोल से मान लो आप यहाँ पे मान लो आपको मोल है यहाँ पे है ना, एकदम मिडिल में मोल है, अगर आप मोल से मोल दिया है मास निकालना है, यस सर, कैसे निकालोगे यहाँ पे आप मास गिवन मास, गिवन मास निकालना है मोलर मास, गिवन मास सर, तब हम मोल इनटू में मोलर मास, तो मोलर मास दिया हो, यस सर, मोलर मास करेंगे तो हमारे गिवन मास आ जाएगा, यस सर, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यस सर। अगर आपको मोल दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो क्या करोगे सर, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर सर, मोल ऑफ एनए, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, यस, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यस सर, इनटू में एवोगैड्रो इनटू एनए, एनए एवोगैड्रो नंबर, अगर आपको मोल दिया है वॉल्यूम निकालना है तो सर मोल इनटू 22.4 सर इनटू में 10.4 यस सर, इनटू 22.4 मल्टीप्लाई करेंगे 22.4। और आप लोग आप बताओ, आप लोग अगर गिवन मास दिया है मोल निकालना है तो क्या करोगे, क्या सर गिवन मास दिया है मोल निकालना हो, हां सर, तो मोल डिवाइड टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास डिवाइड बाय एम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे ना गिवन मास में मोलर मास को, यस, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है मोल निकालना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में मोल पार्टिकल गिवन वॉल्यूम दिया है तो क्या करोगे मोल निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय 22.4 4 तो ये ध्यान रखना, ये सारा मोल का कॉन्सेप्ट यहीं पे आ गया एक ही पेज पे, सारा चीज आ गया। अब yes, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है पूछो जरूर, है ना, no, देख लो एक मिनट, नो सर, एक ठीक है एक बार देख लो, आपको सर एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बता देते कैसे क्या होता है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब ये हुआ ना कि जैसे एक सर पीएस क्लास का लिंक भेज दो, ठीक है मैं भेज दूंगा, ठीक है, हाँ क्या, हाँ जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल है, जैसे दिया रहेगा कि नंबर ऑफ एटम इतना है, नंबर ऑफ आयंस इतना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये है ना, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग ना मोल निकालने के लिए, पहले मोल निकालने के लिए हम लोग करते हैं, मोल निकालने के लिए हम करते हैं पहले जो दिया रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम, ये सारा चीज मान लो दिया है नंबर ऑफ एटम, जैसे ऊपर दिया हुआ था ना नंबर ऑफ एटम 6.022×10^23 याद आया, यहाँ पे देखो, यस सर, यस सर, सर है ना, तो ये नंबर ऑफ दे दिया, नंबर ऑफ एटम दे दिया, अब क्या करोगे मोल निकालने के, डिवाइड बाय एन
एवोगाड्रो नंबर राइट ठीक है यस तो हम लोग एन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या एवोगाड्रो नंबर ठीक है एवोगाड्रो नंबर ठीक है तो आओ अब हम लोग करते हैं मोल पे क्वेश्चन ठीक है ओके सर सारा फॉर्मूला याद है सबको देख लो यस सर यस सर यस सर क्या आप लोग तैयार हो यस सर यस सर तैयार है ठीक है यस सर पहला क्वेश्चन है इफ इफ एन ए इज एवोगाड्रो नंबर ये तो पता ही है सर है ना इफ एन ए इज एवोगाड्रो नंबर ठीक है एन ए आपका एवोगाड्रो नंबर है देन 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 द नंबर ऑफ अच्छे से आराम से सॉल्व करना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है देन द नंबर ऑफ number of valence electron in 4.2 gram of nitride है ना तो nitride ion है ना in 4.2 gram of nitride ion तो nitride ion क्या है n3 minus होता है ना n पे power 3 minus अब बताना है आपका आंसर क्या होगा तो ऑप्शन भी दे देते हैं ना थोड़ा जेई वाली फील आ जाएगी क्या बोलते हो हाँ है यस सर जेई वाली फील ले लो ठीक है ठीक है फील ले लो 4.2 एन ए फील ले लो आप 2 एन ए ले लो आप लोग नॉन ऑफ दिस सभी लोग ट्राई करो आराम आराम से ठीक है आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है सर 4.2 ग्राम है 4 क्या बोला आपने सर ये 4.2 ग्राम नाइट्राइड है हाँ 4.2 ग्राम यस ओके सर नंबर पूछ रहा है नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल समझ गए कहां से कैसे जाना है ठीक है सर मेरा सर नन ऑफ दीज ये बात कौन सा नन ऑफ दीज नन ऑफ दीज मतलब कैसे एनए के फॉर्म में है तो एनए आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है एनए दिया हुआ है एवोगाड्रो नंबर के फॉर्मेट में ही आंसर देना है तो नन ऑफ दिस कैसे आ गया असल बी है तो ऑप्शन बी सही है सोच लो आप लोग दो में सर यही है सर आंसर तो ऑप्शन बी लग रहा है सभी लोग ट्राई करो यहां पे पता तीन कॉन्सेप्ट लगने वाला है तीन कॉन्सेप्ट आज ये क्वेश्चन सॉल्व कर बोलोगे सर मजा आ गया पार्टिकल इनटू एवोगाड्रो नंबर यस यस सर ये दो कॉन्सेप्ट लगा एक और लगने वाला है यहां पे सर आंसर सर आंसर क्या है सर बी ना ट्राई करो बी लग रहा है सर ऑप्शन ए यस वाओ क्या बात है सुहानी का आंसर सही है सुहानी कैसे करा आपने सर पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले यस देन एक मिनट से मैं शो करती हूँ आंसर ए है ये तो सही है सोचो आप लोग कैसे आंसर ए आएगा अब चलो आंसर तो पता चल गया ना अब ट्राई कोशिश करो आप है ना ट्राई करो कोशिश करो है ना क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है सिंपल मोल नहीं पूछ रहा है ना कि आप तुरंत मोल डाल दिए सर तो मोल पूछे थे गिवन मास बाय मोलर मास है ना नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मोलर मास एटॉमिक मास 14 होता है तो 4.2 डिवाइड बाय 14 मोल आ गया एकदम है ना खुशी खुशी आंसर आ गया लेकिन ऐसा नहीं है क्या बोलते हो आया ना
आप लोग यही सोचे ना कि इजी होगा, है ना सर, इजी क्वेश्चन देंगे हम लोग, बना लेंगे जल्दी से, है ना। पहला ही क्वेश्चन एकदम बाउंसर है क्या? ऐसा है, ऐसा है क्या? बोलो सर। एटॉमिक मास, अब देखो गिवन मास कितना है आपके पास, 4.2, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, 14, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 14 मोल आ जाएगा, 0.3 ये मोल आ गया। हमें मोल नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है सर, लेकिन इसमें तो नाइट्राइड है तो उसका मोलर मास तो 42 होना चाहिए। ये नहीं है, N3 अजाइड होता है, इसको अजाइड, इसको अजाइड बोलते हैं। ओके सर, समझ गए? यस सर। N पे चार्ज है, N3 नहीं है, N पे चार्ज 3 माइनस है, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो मोल निकाल लिया आपने, सब लोग ध्यान सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मॉड्यूल में भी रहेगा, DPP में भी पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना सभी लोग, अब बहुत जगह ये दिखेगा इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। आपने मोल निकाल लिया, बहुत सारे बच्चे मोल निकाल लिए होंगे लेकिन ऑप्शन में दिखा नहीं होगा, है ना। अब सोचोगे, चलो अब ये लोग सोचोगे, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, तो क्या सोचोगे, नंबर ऑफ, एक और मोल का फॉर्मूला होता है ना, बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन NA। हाँ, तो यहाँ से क्या जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, सभी लोग ध्यान सुनना मेरी बातें, है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं, ये रिपीट होगा क्वेश्चन बहुत जगह, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, मोल इनटू NA, यही होगा ना। यस सर, मोल इनटू NA, तो मोल कितना है हमारा, 0.3 NA, और अभी भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, अब हम क्या, yes, अब हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं ये बताओ। सर, जो नाइट्राइड होता है उसका सर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो उसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़े। वाओ, क्या बात है, क्लैपिंग, ये ध्यान रखना आप लोग, आपसे गलती नहीं होगा ना किसी का, क्या सर, ठीक है, समझ नहीं आया ये क्या बोला, बैलेंस 8 मतलब क्या, देखो देखो आ जाओ, देखो क्या बोला उसने ये बोला कि यहाँ पे ये क्या बोला था कि हमें नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन नहीं बोला है, ये क्या बोला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्राइड आयन ही है, नहीं है, नाइट्राइड आयन तो है लेकिन उसके साथ उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको काउंट करना है। अच्छा, ये सर, तो इसी से ऐसा इनटू में ऐड कर लेंगे। हाँ, अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है आपको? यस यस सर, क्या होता है, 2.5 2.5 2.5 2.5 और 3 माइनस है, ध्यान सुनो सभी लोग, 3 माइनस का मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया नाइट्रोजन ने, यस सर, तो प्लस 3 और यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आ जाएगा, 8। आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होता है, आउटर मोस्ट, टोटल कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा, 8, यही सर। इसने 3 कहां से लिया, 3 ये यहां से आ गया ये, ओके सर, समझ आ गया। और बहुत बार ना बुक में देखना, कहीं डीपीपी में आएगा, कहीं क्वेश्चन पूछा भी जाएगा एग्जाम में भी, वहां पे एल्युमिनियम देखना Al3+ रहेगा, तो वहां ध्यान रखना, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा देना वहां से, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेगा या नंबर, बोलो सर, मल्टीप्लाई क्यों करा सर, एक बार बता दो कौन सा, ये वाला, ये वाला सर, सर इसमें मल्टीप्लाई क्यों करा 0.3 को 8 से। हाँ, अभी बता रहे हैं, मल्टीप्लाई इसलिए किया ना, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बताना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है टोटल, देखो नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन बोलेगा ना तो इतना ही आएगा, यस सर, ये किसका है आंसर, नंबर ऑफ नाइट्राइड, लेकिन मेरा है सर, ये नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन, नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन इतना है, लेकिन अब ये बोला है कि नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
यस सर। तो एक नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8 8 है यस सर, इसलिए हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर yes, केवल ये पूछता ना फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन, तब हमें 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, समझ गया? यस सर, आ गया सर। यस सर, हम लोग अब यहां पे 8 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्राइड आयन, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक नाइट्राइड आयन में। तो टोटल नाइट्राइड आयन कितना है हमारे पास? 0.3 0.3 Na। जीरो पॉइंट फोर Na आंसर आ जाएगा। और काफी अच्छा सवाल है ये, है ना? अब बताओ इसमें किसी को डाउट है? कहाँ पे 0.3 मोल मल्टीप्लाई Na इक्वल टू 0.3 कैसे है? अच्छा देखो ये मोल यहाँ पे है ना, ये यहाँ तक तो समझ आ गया 0.3 तक। ये मोल आ गया ना, ये यही सेम है ना। अच्छा आप लोग ये सोच रहे हो कि एक क्वेश्चन में हम एक ही टाइप के मोल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन ये डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर, आप कितने भी टाइप के मोल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जैसे तीन टाइप के आए ना हमारे पास, तो मोस्टली आप देखोगे दो दो फॉर्मूला यूज होगा सर। एक फॉर्मूला से मोल निकालोगे, उस मोल निकाल के कभी कभी वॉल्यूम बोलेगा निकालने के लिए, कभी कभी बोलेगा मास निकालो, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा, अब बोलेगा कि मास निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा और बोलेगा मास निकालो, तो कैसे निकालोगे? पहले तो मोल निकालोगे, फिर मोल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे मास वाला में, है ना? यस सर। हाँ बोलो, अब बोलो। 2.5 हाँ, अब इसमें आ जाओ आप लोग, इसमें जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डाउट है, देखो नाइट्रोजन में डाउट जरूर क्लियर करके जाना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है ना। ओके सर, नाइट्रोजन है ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 2.5 ठीक है, हो गया? यस सर, है ना। अब देखो यहाँ पे केवल नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ 3- है, 3- का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फील होगा? आउटर मोस्ट होगा। यस सर, आउटर मोस्ट। सर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन से कहाँ से आ रहे हैं? ये कहीं से मिला होगा इस, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन। हाँ ठीक है, ये नहीं है कि कहाँ से, है ना, ये कोई मान लो कि कोई दूसरा कोई दिया होगा इसको, एल्युमिनियम दिया होगा मान लो, ठीक है, आपको दिया है कि N3 माइनस है बस, तो N3 माइनस शेयरिंग कर रही है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन ना कहीं से आ रही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? बाहर में ही ना आएगा ना, तो यहीं पे तो 3 ऐड होगा। यस सर, टोटल कितना आ जाएगा? 8, समझ गया आप? अगर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब क्या होता? 0.3 नहीं नहीं, अगर ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N3 माइनस का टोटल इलेक्ट्रॉन, असल 0.3 Na होता सर, 3 Na किसने बोला? वही आंसर सही है, 3 Na आयुष का सही है, 3 Na कैसे बताओ? यहाँ पे बोल रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन इन N3 माइनस। सर फिर तो ईच होना चाहिए ना, टोटल क्यों होगा? असल सर टोटल इलेक्ट्रॉन तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या लेंगे नंबर, सब ऐड हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 0.1 फिर ये भी 10 होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पे वैलेंस टोटल, यहाँ पे ये कांस्टेंट लगा दिया ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? आउटर मोस्ट वाला, बाहर वाला। अगर यहाँ पे वैलेंस नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये वैलेंस हटा दूं
तो क्या हो जाता फिर 10, समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, है ना? ठीक है, समझ गए आप लोग? सर 10 कैसे होगा एक बार फिर से बता दो। सर 10 कैसे होगा सर? सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स करके। हाँ, 10 कब आएगा? जब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन n3 माइनस वन कितने है? सेवन है सर। सेवन, सेवन तो ऑलरेडी थे, तीन ले लिया इसने, तो सेवन प्लस 10 हो गया। अच्छा ओके सर, 10 आ गया। वैलेंस नहीं जोड़ते? ओके सर, सब आ गया सर, सब में तो सब आ गया ना। अब वैलेंस का बात ही खत्म। यस सर, सर टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल आना चाहिए ना। हां यस सर, टोटल मतलब टोटल ही होता है। तो एक ही क्वेश्चन हम लोग 5-6 तरीके से समझ लिए है ना। इसमें और किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो पूछो जरूर, है ना? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। हाँ बोलो आदित्य। सर मैं कह रहा था जैसे सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मान लो सर अभी तो आप कह रहे 5 थे, जैसे ऊपर सर माइनस 3 है वो नहीं होता, ओनली सिंपल यही होता, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ केवल 5, केवल 5, ये भी आधा टाइप के क्वेश्चन हो गया। केवल 5 ओके सर। अगर सर 2 होता तो 9 से करते फिर, अगर 2 होता 9 से होता, अगर प्लस होता तो प्लस 3 होता तो माइनस कर देते सर, माइनस हो देते सर, माइनस कर देते सर, फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होता। हां वो भी बाहर वाला माइनस कर दे, अंदर वाला नहीं, पता है ना? जो भी ऐड हो रहा है सबट्रैक्ट हो रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही होता है। आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना? सर एक और एग्जांपल करा दो। ठीक है, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? आप समझ गए ना? अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक है, किसी को डाउट है तो जरूर बोलना है ना। ठीक है, आदि, आदित्य, अक्षय, अनुराग, आयुष, सर, भूमि, सर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऊपर जाना, दीपक, हर्षित, हिरमन, सुरभि, कनक, कृष्णा, मयंक, नंसी, नितेश, प्रभात, राधे, राशि, रोहित, समीर, सोनू, सम्या, सुमानी, सुन्नी, सनी, वंदना, यस एंड जेबा, किसी को डाउट नहीं है ना? देखो ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल किसका निकल रहा है, n3 माइनस का निकल रहा है ना, तो n3 माइनस का मोल कितना आया है? 0.3 ना। यहाँ पे देखो सर, ठीक है दीपक, यस सर, तो ये मोल ऑफ क्या है, एक मिनट एक मिनट, n3 माइनस, ये मोल ऑफ n3 माइनस इनटू n है, तो नंबर ऑफ आयंस बोल सकते हो, नंबर ऑफ n3 माइनस आयंस हो गया, आ गया, समझ गए सर? सर हाँ बोलो सर, एवोगाड्रो नंबर की कोई वैल्यू होती है? हाँ तो सर आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू क्यों नहीं रखी? क्योंकि हमारा ऑप्शन उसी के टर्म में है इसलिए। अच्छा, अगर उसको ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो एन ए की वैल्यू रखते। हाँ, एन ए की वैल्यू क्या होती है? 6.022 × 10²³ है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट ओके सर, बट वो बहुत बड़ा हो जाता है आंसर, इसलिए से एन ए दिया। हाँ सर, हाँ बोलो, हाँ बोलो सर, जैसे एन पे 2 की पावर एन 2 माइनस होता एन की पावर, तो फिर क्या करते? 2 माइनस होता था, 2 जोड़ते बस, 7 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता फिर, 5 + 2 = 7। यस सर, सर ठीक है सर। हां बोलो, इसमें मल्टीप्लाई करके जो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले हैं। हां ठीक है, हां तो नंबर ऑफ पार्टिकल में आप क्या बोल रहे हो, एन ए से मल्टीप्लाई क्यों किया? नहीं सर, ये इनटू 8 क्यों किया? अच्छा 8, हां देखो यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं निकालना था हमें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप बताओ कि एक नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्राइड में n3 माइनस में, बोलो सर। 8 है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, सभी लोग ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इजी नहीं है ना, इजी पीजी नहीं है ये, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ना, अच्छे से सब ट्राई करना आप लोग, इसके बाद सारा इजी है, इजी क्वेश्चन, यही ना अच्छा क्वेश्चन था।
सर वैलेंस कौन से होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में आते हैं? हाँ वैसे जब पीरियोडिक टेबल चलेगा ना उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में आएगा सारा चीज। ओके तो एन थ्री माइनस है, थ्री माइनस का मतलब क्या है नाइट्रोजन ने, है ना, एन थ्री माइनस का मतलब ये होगा थ्री इलेक्ट्रॉन ने गेन किया कहीं से मिला उसको, है ना। तो नाइट्रोजन में कितना है, सेवन पहले एटॉमिक नंबर है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले की पहले कैसा होना चाहिए था, 2.5 ये 5 क्या है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस सर यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि ये हमारा एकदम लास्ट वाला सेल है, लास्ट सेल है, यस सर। अब लास्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लास्ट सेल पे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, गेन होता है, लूज होता है, यस सर, लूज होता है, सब बाहर, सब चीज बाहर ही होता है, अंदर कुछ नहीं होता है ना, यस सर। अब आ जाओ, अब नाइट्रोजन ने क्या करा, नाइट्रोजन ने थ्री इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया इसको, तीन इलेक्ट्रॉन, तो ये थ्री इलेक्ट्रॉन कहीं तो गया होगा ना, तो यहाँ पे आ गया होगा, तो प्लस थ्री ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, इसलिए एक नाइट्राइड आयन में आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यस सर, 0.3 Na नाइट्राइड आयन कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, यस सर। अब समझ गए, ठीक है, ठीक है समीर, क्लियर हो गया आपको, है ना, यस सर, ठीक है ठीक है, यस सर। किसको डाउट था, समीर को या अक्षय, किसको, नो सर क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है, किसी को जरा मैक, अच्छा हाँ मैक, मैक क्लियर हो गया आपको, यस सर, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं मैक, है ना, ठीक है, अगर सिंपल केवल नाइट्राइड आयन बोलता ना तो फिर 8 से मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग, यस सर, ठीक है, 8 क्यों आया, क्योंकि ये बोल रहा है कि 8 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, ठीक है, ओके, अब ये अब तो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, अब आ जाओ, अब क्वेश्चन एकदम इजी इजी आएगा आप, है ना, बच्चों वाली क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, इसमें कैसे बताओगे मोल ऑफ BSO4, जल्दी जल्दी, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहा है ये सर, फिर उस मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, गिवन मास कितना है हमारा, 2.33, मोलर मास ऑफ BSO4 कितना होता है बताओ, 233, 233, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ना सर, तो 0.01 मोल या फिर 6.022 × 10^21 मोल आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहा है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ एटम के क्या होता है, मोल इनटू, ये मोल आ गया, दिख रहा है ये हमारा मोल है सर, मोल इनटू Na, तो मोल ऑफ, सभी लोग ध्यान से सुनते रहना, मोल ऑफ मोल इनटू BSO4 इनटू Na, Na से मल्टीप्लाई कर रहे, तो ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, समझ गए, ओके सर, यस सर, इसमें किसी को डाउट है, सर ये नीचे 233 कैसे है, ये मोलर मास पहले कैलकुलेट करो, सही है ना, ये गलत तो नहीं है ना, BSO4 का मोलर मास कितना था बोलो, BSO4 का मोलर मास सभी लोग कैलकुलेट करो, गलत है क्या, सभी लोग कैलकुलेट करना, तो दो में से कट है सर, गिवन मास है ये अपना मोलर मास है, मोलर मास ऑफ BSO4, ठीक है, ठीक है, गिवन मास क्या है हमारा, 2.33, मोलर मास कितना है BSO4 का, कैलकुलेट करो सभी लोग, कितना आ रहा है बोलो जल्दी जल्दी, सर 0.01
सर 23.38 आ रहा है 23 है ना, अप्रोक्स ले सकते हैं ना हम लोग, कितना ले सकते हैं अप्रोक्स ले लो ठीक है, 233 आ रहा है। हां तो ये हमारा मोल आ गया यस सर, और यही मोल यहां पुट कर देना इनटू एन ए, हमारा क्या निकल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ BSO4 निकल जाएगा यस सर। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है? नो सर। आगे चले? यस सर। यस सर ठीक है, अब आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, 53 ग्राम Na2CO3, अरे दीजिए है सब सेम है ना, सेम कॉन्सेप्ट। क्या लगेगा पहले मोल निकालेंगे हम लोग है ना, मोल ऑफ Na2CO3 है ना हमारा सर, गिवन मास अपॉन में गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यस गिवन मास ऑफ अपॉन में गिवन अपॉन में मोलर मास, यस डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ Na2CO3 मल्टीप्लाई में आप करो नंबर, यहां से मोल आ जाएगा और निकालना क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू कर देंगे सर Na2CO3, तो क्या जाएगा मोल इनटू मोल ऑफ Na2CO3 इनटू Na। अब बताओ ये दिया हुआ है ना वैल्यू कितना दिया हुआ है, 53 डिवाइड बाय Na2CO3 का मोलर मास बताना जल्दी कितना आ रहा है सर, 106 ठीक है, तो ये मोल हो गया, ये मोल को यहाँ पुट करोगे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। बोलो इजी है ना ये सारा चीज, इजी पीजी लेवल है ना सर, मोलर मास एटॉमिक मास सेम होता है हाँ, मोलर मास एक मोल के लिए, एटॉमिक मास एटम के लिए, बस यही अंतर, यूनिट में अंतर होगा ज्यादा अंतर नहीं होता है ना, मोलर मास ग्राम पर मोल, एटॉमिक मास MU, बस समझ गए आप एक वर्ड में AMU ठीक है, और जो भाई ठीक है जो वैल्यू होगा उससे आएगा, मतलब सर वैल्यू सेम रहेगा ना, यूनिट में चेंज आएगा, मोलर मास एक मोल के लिए होता है इसलिए ग्राम पर मोल में आता है, एटॉमिक मास AMU आता है AMU में, यस सर। आगे चले हम लोग, क्लियर हो गया सबको, बोल लो सर। सर हां बोलो सर, एवोगैड्रो नंबर में जैसे कि आपने Na लिखा है उसकी जगह A भी लिख सकते हैं, ए ना 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 ना। अच्छा केवल ए बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अगर ए लिख रहे हो ना एवोगैड्रो नंबर Na से डिनोट करते तो वो थोड़ा सा सोडियम और उसमें वो कंफ्यूजन सा हो जाता है। नहीं ये बेटर है ना कि आप Na की जगह डायरेक्ट ये ही पुट कर दो, 6.022 × 10³³ ये बड़ा इसलिए लिखने के चलते मैंने Na लिख रहा हूँ है ना, आप डायरेक्ट ये पुट करते हैं ठीक है, 6.022 × 10³³ ठीक है, यस सर। और किसी को डाउट नहीं ना, आगे चले? यस सर। ओके, जो था अच्छा क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तो बच्चों वाली क्वेश्चन बच गया है, सेम ये भी कर लोगे ना आप लोग? ऐसा कर लेंगे। यस सर। अब आ जाओ, अब बताना नंबर ऑफ एटम, क्या बताना है नंबर ऑफ एटम इन इतना, क्या आंसर क्या आ जाए बताओ, दो मिनट सर निकालते हैं, दो मिनट सर, वैसे ही होगा सर, तो वैसे ही होगा सर, सेम आता है। जल्दी 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 इसका 0.2 एवोगैड्रो नंबर पहले का पहले आप क्योंकि क्योंकि मोलर मास 180 आएगा ना, कितना रहा 6H12O6 का 180 आता है ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करना, इजी है ना, इजी पीजी लेमन पीजी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना, मेन जो था हम बता दिए, मेन कॉन्सेप्ट जो था वहीं पे वही मेन था। सर दूसरे का है ना 0.01 मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर क्योंकि मोलर मास है 342। अच्छा इसका कितना आ रहा है 342। अच्छा अच्छा ये बताओ, ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग सी सॉल्व करेंगे, चलो ये इम्पोर्टेंट है, ये कैसे सॉल्व करोगे आप लोग बताओ, दो में से करते हैं
हम लोग सी सॉल्व करते हैं ना, बाकी तो इजी है। जल्दी जल्दी सॉल्व करो आप लोग, ए बी सी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, सी थोड़ा सा सही है। ठीक है सर, बी एक बार सॉल्व करके दिखा दो, समझ में बी बी क्या सी 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 12 एच 22 ओ 11 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट बोलो। ये आपको प्रोसेस क्या किया, प्रोसीजर क्या था बोलो। सर मैं प्रोसेस था सर, मैंने सर लिखा गिवन गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू में एन ए कर दिया मैंने ना। तो सर मैं सर इसका आंसर आ गया, वह मतलब सर नंबर ऑफ एटम आया ना सर। तीसरे का मेरा आंसर आया 24 अपॉन में 0.57 मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। अच्छा आप लोग कुछ गलती कर रहे हो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम बोल रहा है। ठीक है सर, एक बार आप करके दिखा दो सी। ये कैसे किया आप लोग बोलो। सर सर एक करो तो सर 0.1 आ रहा है, एक का 0.1 एन ए 0.1 प्रोसीजर मोल निकाल के डायरेक्ट एन ए से मल्टीप्लाई कर दो आप सर। हां फर्स्ट ऑप्शन में एन ए से मल्टीप्लाई क्यों होगा, एन ए से तो इसलिए मल्टीप्लाई करना क्योंकि हम नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम निकालना है सर। 0.12 एन ए क्या सर, थर्ड का 0.12 है ना। अच्छा अच्छा कैसे किया आप सर, पहले गिवन मास बाय मोलर मास कर दिया तो सर 3.42 डिवाइड बाय 342 तो सर मोल आ गया 0.01। हाँ मोल आ गया, देन तो सर कार्बन एटम 12 है तो उस मॉलिक्यूल में सर कार्बन के कार्बन हाँ। के मोल 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम निकलेगा वहां से। यस सर इसको तो ऐसे करेंगे गिवन मास ऑफ कार्बन अपॉन में मोलर मास पूरा जितना भी है। हाँ यहाँ से तो मोल आएगा, मोल मॉलिक्यूल का मोल आएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल का मोल नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। एटम हाँ मोल के लिए सही हो आप लोग, मोल सही है, मोल के लिए आप लोग सही हो है ना, लेकिन यहाँ पे हाँ बोलो जो मैंने चैट बॉक्स में डाला है वो है आंसर थर्ड का। आंसर तो निकालना पड़ेगा मुझे है ना, आंसर तो निकालना पड़ेगा आप लोग ना पूरा ना ये क्वेश्चन मतलब एक कोशिश जरूर करो, इम्पोर्टेंट है ना। आप लोग क्या लग रहा है क्या होना चाहिए सर, इसको 1.66 इनटू 10 रे टू पावर माइनस 24 ग्राम से मल्टीप्लिकेशन किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1.42 grams
देखो मोल निकाल लिए, हाँ देखो पूछा ना, मोल निकाल लिए आप लोग, सब लोग निकाल लिए होंगे, एनए से मल्टीप्लाई भी कर दिए होंगे आप लोग, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया, यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं पूछा, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। बत्ती जली? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या होना चाहिए? तो सर, तो सर इसका आंसर 0.06 आएगा, एनए 0.06 एनए। यहाँ पे एटम बोल रहा है, मॉलिक्यूल नहीं, आप लोग मॉलिक्यूल निकाल के एटम का आंसर दे रहे हो। सर ये तो निकाल रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, एक बार सर आप, एक बार सर आप करिए। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग, अब आप लोग पूरा मेहनत किए, हमें